बनारस की जो थी वो अवार्ड साहब से नहीं थी, हमारे अध्यक्ष जो है शमीम खान से थी। इलेक्शन की वजह से अब हम थोड़ा शांत है। अवार्ड तुझसे बाहर नहीं, शमीम तेरी खैर नहीं। हम इलेक्शन की वजह से अगर आज चुप रह जाएंगे तो हमारा अस्तित्व ही खराब खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है और जीत सुनिश्चित करने के लिए वोट बैंक साधने में लगी है। इस बीच शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में आपसी कलह सामने आई है। रविवार को पार्टी के दो नेता आपस में ही भिड़ गए। एनसीपी एससीपी नेता जितेंद्र आवाण और पार्टी के राज्य अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष यूनुस शेख के बीच हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि किसी तरह ये लड़ाई शांत हुई। फिर अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष ने बताया कि मामला क्या है और चुनाव पर इसका कितना असर होने वाला है। देखो, अभी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी हो चुकी थी, आधी से ज्यादा तकरीबन जो भी मेरी बात थी मैंने ऑलरेडी बोल दिया था। कई प्रेस वालों के मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुका है। मैं काफी अभी थक चुका हूँ, आवाज भी मेरी तो नाराजगी जो थी वो अवार्ड साहब से नहीं थी, हमारे अध्यक्ष जो है शमीम खान से थी और वो उनसे अभी मेरी रहेगी। इलेक्शन की वजह से अब हम थोड़ा शांत है और हम काम करेंगे, मगर शमीम खान के साथ में जो है अब शुरुआत हुई है। शमीम खान ने जो है ना हर बार उल्टे सीधे काम किया, हम बहुत दबाने की कोशिश किया, फिर भी हमने साफ का मुंह देख के रहे पार्टी में। आज भी हम साफ के लिए काम करेंगे और उनके साथ रहेंगे, मगर अवार तुझसे बाहर नहीं, शमीम तेरी खैर नहीं। बस यही बोलना था, अवार तुझसे बाहर नहीं, शमीम तेरी खैर नहीं। क्या कारण, क्या बहुत कारण है? अभी कारण गिनाने के लिए आपके बाइक में है वो जो राजकरण होते हैं लोगों को आगे पीछे करने का, मगर शमीम खान को आगे बढ़ने नहीं देने, किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देता है, किसी को भी बढ़ने नहीं देता है। बोले माइक, किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देता है। उनका बोलना ऐसा है कि मेरे अंडर में आओ और फिर अवार्ड साहब के पास जाओ, तो वो होंगे वैसे जाने वाले, हम उसमें के नहीं। हम लोग ने कौम के लिए ही काम किए। आज अवार्ड साहब के साथ रहने का और उनके साथ में काम करने का सबसे बड़ा रीजन मेरा ये है। मेरा आज भी मेरे अवार्ड साहब से तीन चार बार झगड़े हो चुके, तीन चार बार, मगर मैं हर बार अपनी कौम और हमारे मोगरा का डेवलपमेंट देखते देखते मैं चुप हो जाता हूँ कि मेरा भला नहीं हो रहा है मगर मेरी कौम के लिए अच्छा काम कर रहा है आदमी, तो मैं इसके साथ जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूंगा। अवार साहब का जो अभी इलेक्शन करीब है अभी, तो आप ये नाराजगी इलेक्शन में जाहिर करें? देखो, जो इंसान इलेक्शन में उसको नाराजगी की फिक्र नहीं है और इसके कई बार पहले भी उसने ऐसा हरकतें किया तो उसने इलेक्शन में किया, तो हम इलेक्शन की वजह से अगर आज चुप रह जाएंगे तो हमारा अस्तित्व ही खराब खत्म हो जाएगा हमारे वार्ड के अंदर। तो इसके लिए हमने भी आज ही आवाज उठाए और आज ही इसका जो है वो फैसला भी हो गया। अभी शमीम खान मेरे वार्ड में डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, वो दोस्ती से लाके आदमी नहीं डालेगा और हमारे वार्ड में डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, ना ही किसी को बोलेगा पद देके कि किसी को भी वहां गिनना नहीं। अगर उसने दोबारा ये हरकत किया तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। ये लोग कौन है?